Good afternoon all and welcome to another live session of Technology Talk. And today we are going to talk on E-Generation DVR. Yes, that is called as a ESSD DVR. So this is your host Vinit Navaikar. Aap sabhi ka aaj ke Technology Talk mein bahut bahut swagat hai. And most people are connected with us right now and let's just a time to start this session. So hope you all are enjoying and you're connected live and you can able to hear my voice properly. Okay, video sabhi ko proper dikh raha hoga. Then definitely we'll start. But before this, just would like to get to understand how many people are there. Aapka company ka naam, aap kahan se ho, aapke city ka naam. Come on, fatafat type kijiyega chat box mein. Let's will welcome to all of you. Aap sabhi ka main swagat kar raha hu. कहाँ से हो आप, आपके कंपनी का नाम और आपके सिटी का नाम चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा एंड उसके बाद हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं. कम ऑन एवरीवन. मिस्टर आरव सीसीटीवी कैमरा यार फ्रॉम द सूरत, वेलकम सर. एसएनजे इलेक्ट्रॉनिक्स, वेलकम सर, वेलकम. एंड देन केके इंटरप्राइज हमारे एक पार्टनर है जो सूरत से ज्वाइन हुए है. मावदी मेन रोड राजकोट से आरके इंटरप्राइज हमारे ये पार्टनर ज्वाइन हुए है. एम सर्विलेंस, यस ये भी हमारे एक पार्टनर है. So yes, lots of partners are there. Genuine Computers, Asha Associate, then Balaji Infotech Rajkot se, bahut bahut jagah se, west se, east se, south se, north se. South se dekho ke the computer, wahan pe computer solution Andhra Pradesh se hamare ek partner join hue hai. Thank you so much to all of you. So let's begin with today's session. Aaj ka jo session hone wala hai ये ESSD DVR के ऊपर है. ओके, दैट इज अ EDVR जिसके अंदर आपको मिलती है ESSD. तो बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं माइंड में बहुत सारे डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे एंड पीपल आर हैविंग लॉट्स ऑफ FAQs रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलरली EDVR. सो ऑल योर डाउट्स एंड क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी क्लियर टुडे इन दिस सेशन एंड दिस इज सेपरेटली सेशन वेयर वी आर गोइंग टू ऑल्सो अनाउंस अ गुड न्यूज फॉर दोज हु आर यूजिंग दिस ESSD DVR. So hope all connected, सब लोग connected है मेरे से and मेरी voice भी clear आ रही है आपको सबको. So good afternoon to everyone again. Okay, all right. So आज का जो session completely होने वाला है ये basically EDVR. इसके पहले भी हमने ये session एक बार लिया था. इसके अंदर हमने देखे थे features. तो आज भी हम देखने वाले हैं कि actually जो features है इस DVR के अंदर वो क्या है. मेन सेलिंग पॉइंट जो है, मेन सेलिंग पॉइंट है. बहुत सारे लोग बोलते हैं सर EDVR लॉन्च हो चुका है, मार्केट में अभी अवेलेबल है, बट इसको अगर बेचना है, इफ आई वांट टू सेल, देन व्हाट विल बी द सेलिंग पॉइंट. कैसे मैं मेरे एंड कस्टमर को कन्वे कर सकता हूँ कि आपके लिए ये EDVR बहुत सुटेबल है. सो वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दैट. ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ दिस EDVR. बहुत सारे लोगों को लगता है कि SSD चिप है, खराब हो गया तो क्या करें, देन डेटा रिकवरी क्या 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 होने वाला है फ्यूचर में, वारंटी सेगमेंट के अंदर कितने साल की वारंटी हमें मिल रही है. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे एंड टॉक इन दिस टेक्नोलॉजी टॉक ऑपरेशन ऑन EDVR. सो होप यू ऑल आर कनेक्टेड एंड वी आर गोइंग टू टॉक दिस विद प्रेजेंटेशन जहाँ पे आज हम देखने वाले हैं अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन DVR, दैट इज EDVR विद SSD इनसाइड. सो ESSD टेक्नोलॉजीज को हमने पहले भी देखा था बट आज भी देखेंगे. दोज पीपल हु हैव मिस्ड द लास्ट सेशन, दे हैव अ चांस टू गेट अंडरस्टैंड न्यूली विद दिस कंसेप्ट ऑफ ESSD इन योर DVR. ओके, सो सेशन की शुरुआत तो हम करेंगे. पार्टनर हमारे ज्वाइन हो ही रहे हैं. PPS एंटरप्राइज कोलकाता से हमारे पार्टनर है. GST टेक्नोलॉजी चेन्नई, वन ऑफ आवर पार्टनर इज देयर. वेलकम सर, वेलकम दिस टेक्नोलॉजी टॉक. श्री बालाजी इन्फोटेक इज फ्रॉम द कोयम्बतूर तमिलनाडु रीजन. राहुल एंड कंपनी फ्रॉम द गोंडल एंड लेट्स हियर, इट्स गोइंग टू बी स्टार्ट टुडेज दिस सेशन. सो बिफोर गोइंग टू बिगिन दिस सेशन, होप यू ऑल आर कनेक्टेड एंड आई वॉन्ट टू जस्ट इंट्रोड्यूस अगेन सम गोइंग टू गिव द रिमाइंडर ऑफ द स्कीम्स एंड द कॉम्पिटिशन विच इज गोइंग ऑन बाय हिकविजन इंडिया फॉर यू ऑन प्रामा इंडिया ऐप. प्रामा इंडिया ऐप पे अलग अलग प्राइजेस आपको जितने की स्कीम्स यहाँ पे चल रही है, कुछ कॉम्पिटिशन वहां पे चल रही है, उसका मैं आपको एक बार वापस एक बार रिमाइंड देना चाहता हूँ ताकि आप उस क्विज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो एंड विल गेट द चांस टू विन एक्साइटिंग रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड प्राइजेस फॉर दैट. सो लेट्स देखते हैं कि कौन से यहाँ पे आपके पास यहाँ पे स्कीम्स अवेलेबल है.
सो कंपटीशन की बात करें तो होली कॉम्पिटिशन यहाँ पे था, पार्टिसिपेट इन कलर ब्लू होली कॉन्टेस्ट जहाँ पे यू कैन विन द ड्यूअल लाइट कैमराज एंड 500 बोनस पॉइंट्स। सो यस, एक अच्छा मौका है आपको यहाँ पे ड्यूअल लाइट कैमरा जीतने का एंड 500 बोनस पॉइंट्स आप जीत सकते हो। 25 को शुरू हुआ था ये इवेंट एंड इट्स विल बी क्लोज ऑन 31 मार्च। जहाँ पे आपको क्या करना है तो आपको सिंपली वहां पे यू हैव टू कैप्चर द नाइट इमेजेस बाय योर कलर बुक कैमरा और ड्यूअल लाइट कैमरा जहां पे लगा हो और इंस्टॉल हो, आपको वो फोटो खींचना है और आपको वो जो है फोटोग्राफ अपलोड करने हैं इन एसआरडी ऐप के अंदर जाओगे जहां पे एक्सप्लोर मेनू है, एक्सप्लोर सेक्शन है, उसको क्लिक करना है, देन उसके अंदर आपको ये फोटोग्राफ अपलोड करते हैं इन यूजर कमेंट सेक्शन एंड गेट द मैक्सिमम लाइक्स फॉर दिस फोटो। So those who will get particularly the highest like, they will get the chance to win dual light cameras. Then most after that, those the next 100 people will get the chance to win the 500 points. And again, more than that will get the chance to win 100 points. So ये पहला contest था जो already running है। आप definitely अगर किसी ने participate नहीं किया हो तो आप कर सकते हो। Now moving to the next, जो हमारे EDVR related contest चल रहा है उसके बारे में देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सो कैन एनीवन टेल मी जस्ट ये होली कॉन्टेस्ट जो है कितने लोगों ने इस होली कॉन्टेस्ट में ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया है, जस्ट कम ऑन टाइप इन द यस इन द कमेंट सेक्शन सो विल गेट अंडरस्टैंड कि कितने कितने लोगों ने इस होली कॉम्पिटिशन में, हाउ मेनी पीपल हैव ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन दिस होली कॉन्टेस्ट, कलरबू होली कॉन्टेस्ट। इफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन कलरबू होली कॉन्टेस्ट प्लीज टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। जस्ट मैं चेक करना चाहूंगा कितने लोग जो लाइव कनेक्टेड है मेरे साथ उन्होंने ये होली कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, कलर कैमरास की जो बेहतरीन पिक्चर जो नाइट टाइम में आती है उसको खींच के यहाँ पे अपने जो एक्सप्लोर सेक्शन में इसको अपलोड कर दिया है। जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स यस इफ यू आर पार्टिसिपेटेड इन होली कॉन्टेस्ट, कम ऑन एवरीबॉडी। सो वी आर वेटिंग दैट फॉर आंसर फ्रॉम योर एंड। ओह लॉट्स ऑफ पीपल्स आर देयर, मिस्टर विजय सिंह कर रहे थे यस 250 लाइक्स है उनको एंड मोर देन मिस्टर बबलू यादव, संजय भूटानी, स्टार सर्विलियंस हमारे पार्टनर बोल रहे हैं कि नो वीडियो सर, जस्ट गो बैक एंड ज्वाइन अगेन ऑन दिस प्रामा इंडिया ऐप। सो मेनी मोर पीपल इज ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड एंड दे हैव एंजॉय दिस। सो डेफिनेटली आपने फोटो खींचे होंगे एंड मैक्सिमम लाइक्स आपकी इमेज को वहां पे आना चाहिए। अवर बैकएंड टीम विल डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन विल चेक दैट एंड विल डेफिनेटली गेट यू बैक ऑन दिस। सो होपफुली यस लॉट्स ऑफ पीपल हैव पार्टिसिपेटेड इन द होली कॉम्पिटिशन। सो ये पहला कॉन्टेस्ट हमने वहां पे लॉन्च किया था, अभी भी रनिंग है 31 मार्च तक। आप जरूर आपके कलर के इमेजेस को फोटो जो है अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखने की बात करेंगे कि नेक्स्ट कंपटीशन हमने कौन सा वहां पे लॉन्च किया था, कौन सा कॉन्टेस्ट आपके लिए बेस्ट वहां पे प्राइज देने के लिए अवेलेबल था। सो उसका एक रिमाइंडर आपको दे देते हैं। ओके ऑलराइट, सो क्लिक एंड विन 4.0। ओके, this is one more contest is related with EDVR. we have sent the EDVR poster to most of our partners. jahan pe us poster ke sath laga hua aap aapka selfie agar khichte ho aur kahin na kahin wahan pe aap jo hai kuch ek behtareen achhi comment wahan pe upload karte ho comment sections mein, like take a photo with EDVR and just give an exciting comment I am with EDVR poster like way. जो भी interesting comment आप type करोगे और maximum likes जिनको आएंगे वहां पे अलग अलग awards के criteria है उनको अलग अलग awards मिल सकते हैं। So hope this is a one more second chance to you, those who are not participated in the holy contest they can also participate in this click and win 4.0 contest. So, जहां पे ये EDVR special related contest है, so again I would like to check how many people have already received the poster and participated in EDVR. If you participated in EDVR contest, yes, please type win 4.0. Come on, in chat box, please type win 4.0. So, मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों ने यहाँ पे ये कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया है एंड डेफिनेटली आप इस कंपटीशन के वहां पे अगर मैक्सिमम लाइक्स आपको मिलते हैं एंड आप उस क्राइटेरिया में आते हो तो डेफिनेटली आपको जो है हमारे बैकएंड टीम वहां पे चेक करके आपको डेफिनेटली वहां पे प्राइज के हकदार आप हो सकते हो। कम ऑन, इफ यू आर पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्टेस्ट टाइप विन 4.0। सो प्रामा 10677
ये हमारे पार्टिसिपेंट है, उन्होंने विन 4.0 मतलब ईडीबीआर के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। सो मच ऑफ एक्साइटेड। बहुत सारे हमारे पार्टनर्स है जो रेगुलरली इस कॉन्टेस्ट को पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड देर एंजॉइंग रियली फॉर दिस। सो रिवॉर्ड पॉइंट्स से गिफ्ट से एवरीथिंग विल बी देयर एंड यू हैव टू अपलोड दिस फोटोग्राफ्स प्रॉपरली इन द एक्सप्लोर सेक्शन ऑफ प्रामा इंडिया ऐप। सो यस, बहुत सारे लोगों ने वहां पे पार्टिसिपेट किया है। देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू बी चेक अनदर कॉम्पिटिशंस। ओके, एक हुआ फर्स्ट जो होली कॉन्टेस्ट का था, देन क्लिक एंड विन 4.0 ये सेकेंड था जो ई डी वी आर रिलेटेड था। पहला था आपके कलर बुक कैमरा रिलेटेड, सेकेंड ई डी वी आर रिलेटेड कॉम्पिटिशन। नाउ अगेन थर्ड विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, एक वहां पे कॉम्पिटिशन चल रहा है 15 मार्च से 30 जून तक। ओके, लेट्स सी कौन सा कॉम्पिटिशन एंड कॉन्टेस्ट है वहां पे वो। सो इफ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स आई विल एक्सप्लोर यू। स्टे कनेक्टेड स्नैप अपी, ओके, दैट इज रिलेटेड विथ मिनमॉय, मिनमॉय K1T320 सीरीज का ये हिकविजन ने लॉन्च किया हुआ टर्मिनल है। इस टर्मिनल के साथ कहीं ना कहीं आप अगर फोटोग्राफ लेते हो, इस टर्मिनल जहां पे भी इंस्टॉल किया है, ये इंस्टॉल किया हुए टर्मिनल का फोटोग्राफ लेते हो, देन उस पर्टिकुलर टर्मिनल का सीरियल नंबर जो है ये यहाँ पे कमेंट्स में मेंशन करना होगा आपको, एंड देन यू विल बी गेट एलिजिबल अकॉर्डिंग टू द अवार्ड क्राइटेरिया। सो दोज हु आर द विनर्स विल गेट द चांस टू विन द मैक्सिमम पॉइंट, दैट इज 1000 पॉइंट्स आर देयर। सो आपको जो है सिंपली देयर इज अ टू स्टेप्स, जहाँ पे आपको जो हमारे एसआरडी पार्टनर है और नॉन एसआरडी पार्टनर से जिन्होंने ये K1T320 टर्मिनल को आपके कस्टमर के पास वहां पे अगर कहीं पे लगाया है, उस एरिया का, उस टर्मिनल का जहां पे ये इंस्टॉल किया है वहां का आप फोटो खींचिएगा। वो फोटो खींचने के बाद कहीं ना कहीं आपको वहां पे उस टर्मिनल का पर्टिकुलरली जिसका फोटो आपने लिया है उसका सीरियल नंबर वहां पे टाइप करना होगा, एंड डेफिनेटली यू विल गेट टू ट्राई टू चेक द मैक्सिमम लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन योर फोटोग्राफ्स। सो होप यू गेट अंडरस्टैंड एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इज ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड दिस। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस कॉम्पिटिशन में, जस्ट मेक श्योर आपने सही से टर्मिनल का फोटोग्राफ कैप्चर किया है एंड आपने सीरियल नंबर वहां पे इंश्योर ऐड किया है उस कमेंट सेक्शन में। होप द पीपल नो। सो दिस इज जस्ट रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू, दिस टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट आर गोइंग ऑन। फॉर द मोर डिटेल्स अबाउट दिस कॉन्टेस्ट यू कैन गो ऑन द प्रामा इंडिया ऐप। प्रामा इंडिया ऐप के ऊपर जहां पे अभी लाइव मेरे साथ कनेक्टेड हो और इस सेशंस को देख रहे हो, वहां पे कहीं ना कहीं आपको और मोर डिटेल्स टर्म्स एंड कंडीशंस से इन कॉन्टेस्ट के बारे में वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। सो लेट्स वी बिगिन अगेन विथ आवर इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज ईडीवीआर। आज हम इसलिए मिले हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक मोर एंड मोर अबाउट ईडीवीआर, दैट इज ESSD टेक्नोलॉजी इन साइड ये आपके डीवीआर में अवेलेबल है। तो देखते हैं कि शुरुआत करते हैं इस ईडीवीआर के साथ। बहुत सारे लोगों ने ईडीवीआर यूज किया है और ईडीवीआर की अगर बात करें, सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ कंटेंट्स आर अवेलेबल इन ईडीवीआर। सो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इट कंसिस्ट ऑफ द एम्बेडेड एसएसडी टेक्नोलॉजी, देन इट्स अ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट कंप्लीटली व्हिच हेल्प्स टू एंड्यूरिंग योर स्टोरेज, इट प्रोवाइड्स योर रिलायबल स्टोरेज अप टू द लॉन्ग टाइम, इजी टू सेटअप एंड यूज, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इजिली कनेक्ट करना है आपको और कॉन्फिगर कर सकते हो, एंड एंड कस्टमर्स के लिए भी बहुत इजी टू यूज ये प्रोडक्ट है, एंड एफिशियंट वीडियो एनालिटिक्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड ऑफ आवर्स, दैट इज एफिशियंट वीडियो एनालिटिक्स, जहाँ पे आपके कॉम्पैक्ट डीवीआर में आपको वीडियो एनालिटिक्स भी फीचर मिल जाती है। So that's it. This is complete package for this contents EDVR when the lots of features are available in ESSD DVR. So इसी के बारे में आज हम discuss करने वाले हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे इस DVR को use कर रहे हो, but कुछ लोगों को अभी तक वहाँ पे more and more उसकी जो features है वो जानना उनको बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए आज का ये सेशन हमने दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं ताकि इसके मदद से आपको आज पता चले कि EDVR एक्चुअली यहाँ पे काम कैसे कर रहा है, क्या क्या इसके सेलिंग पॉइंट रह सकते हैं, USPs क्या क्या है। Whenever you are going to do the meeting with your end customers, how you can pitch your EDVR to your end customer, that we are going to discuss today. So, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि EDVRs की कंटेंट्स, हमने देखे कि क्या क्या इस EDVRs में प्रोडक्ट आ रहे हैं।
सो बेसिकली अगर ई एस एस डी डी वी आर को अगर कंपेयर करके बात करें तो एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मल डीवीआर सभी को पता है कि छोटा सा आपने 4 चैनल का या 8 चैनल का डीवीआर देखा इक्विजन का, जिसके अंदर आपको कुछ मदरबोर्ड दिख जाता है हार्ड डिस्क लगाने के लिए वहां पे जगह है, तो व्हाई देयर इज अ ईएसएसडी डीवीआर। सो लेट्स ईडीवीआर को कैबिनेट को ओपन करके देखते हैं एंड नॉर्मल डीवीआर के कैबिनेट को ओपन करके देखते हैं कि दोनों में क्या फर्क नजर आता है। सो एज वी आर कंपेरेटिवली दिस कंपेयर दिस विथ ट्रेडिशनल डीवीआर, तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि ट्रेडिशनल डीवीआर की अगर बात करें तो जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिशनल डीवीआर में आप देख सकते हो एक डीवीआर है कम्प्लीटली, उसके अंदर आपको मदरबोर्ड मिल जाता है, उसके ऊपर साटा कनेक्टर है, उसके थ्रू आपकी जो हार्ड डिस्क है ये कनेक्ट हो रही है, हार्ड डिस्क को पावर प्रोवाइड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका एक मदरबोर्ड उसके ऊपर उसके लॉट्स ऑफ सर्किटरी एंड सेपरेटली हार्ड डिस्क इज अवेलेबल इन पर्टिकुलर बॉक्स। सो उसको ही अगर कंपेयर करोगे एम्बेडेड एसएसडी डीवीआर दिस इज कॉल्ड एज ईडीवीआर के साथ, सो सॉलिड स्टेट ड्राइव ये इंटीग्रेट ऑलरेडी किया हुआ है आपके बोर्ड के ऊपर ही, सो दैट मींस ऑन द चिप बोर्ड ऑफ द डीवीआर द सॉलिड स्टेट ड्राइव इज इंटीग्रेटेड, सो देयर इज नो रिक्वायर्ड टू सेपरेटली परचेस योर हार्ड डिस्क कनेक्टेड ओपन द कैबिनेट कनेक्ट दैट हार्ड ड्राइव इंस्टॉल दिस हार्ड ड्राइव प्रॉपरली नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज कॉम्पैक्ट साइज में आपको वहां पे हार्ड डिस्क लगाने की जरूरत नहीं, आपके जस्ट एस एस डी जो है इंटीग्रेट की है आपके वहां पे बोर्ड के ऊपर है, सो दैट्स व्हाट दिस इज अ मेन एडवांटेज एज कंपेरेबल ट्रेडिशनल डीवीआर। ईडीवीआर की जो साइज है ये बहुत ही यहाँ पे कम हो जाती है एंड और भी बहुत सारे फायदे हैं इसकी मदद से, ओनली साइज ये पार्ट नहीं है बट उसके अलावा बहुत सारी फीचर्स उसके अंदर और भी अलग है, बहुत सारे मेन पॉइंट्स और भी है बट डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर। सो अवर एम्बेडेड एस एस डी स्पेशली डिजाइन फॉर सिक्योरिटी यूज, सो आप देख सकते हो कि नॉर्मल कंज्यूमर एस एस डीज भी रहती है ओके, जो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज करते हैं आईटी सेगमेंट्स में भी यूज हो रही है, बट दिस एस एस डी स्पेशली डिजाइन फॉर द सिक्योरिटी यूज, वेयर इट प्रोवाइड्स यू हाई स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बहुत हाई है इसकी, कैसी है क्या क्या फीचर मिल रहे हैं उसके अंदर हम जरूर डिस्कस करेंगे, देन स्टेबल स्टोरेज मिल रहा है एंड लो पावर कंज्यूमशन, दैट्स व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट। So, 3 USPs है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, एंड्यूरिंग स्टोरेज मिल रहा है, लॉन्ग ज्यादा दिन का आप रिकॉर्डिंग स्टोर कर सकते हो एंड उसके साथ साथ जो पावर कंज्यूमशन कर रहा है ये भी बहुत ही लो पावर कंज्यूमशन हो रहा है। सो टॉकिंग अबाउट व्हाई वी चूज ESSD, अगर बात की तो सीसीटीवी मार्केट में आप 10 साल या उससे भी ज्यादा काम कर रहे हो, DVR के एंड पे अगर बात करोगे दिस इज द फर्स्ट रिवोल्यूशनरी थिंग्स वेयर हिक्विजन लॉन्च दिस EDVR इन द मार्केट। So, क्यों जाना है SSD के थ्रू इस DVR में? As comparatively आप देखोगे कि normal DVR में आप hard disk यूज करते हो, so hard disk having some kind of the mechanical wear, due to this it gives you some kind of the effect, okay? Because there is a mechanical parts are available inside the hard disk, जहाँ पे ये hard disk है आप first year में लगाओगे first second third year तक एक परफॉर्मेंस वहां पे दे देती है, बट ड्यू टू द मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ ऑल द प्लेटर्स एंड द नीडल्स इनसाइड दिस हार्ड डिस्क इट विल ट्राइंग टू गेट द डैमेज इन द फ्यूचर, सो कहीं ना कहीं आपका जो डेटा है वो कहीं ना कहीं सेफ नहीं रह सकता, डेटा जो है फ्यूचर में आपका इसमें लॉस हो सकते हैं, बैड सेक्टर्स इसके अंदर आ सकते हैं, सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स द मैकेनिकल प्रॉब्लम्स विल बी देयर ड्यू टू दिस, आपका जो है लॉन्ग टर्म के लिए हार्ड डिस्क को ये यूज नहीं कर सकते। So whereas as comparatively with ESSD, there is no mechanical wear. So that's why excellent stability, good shock resistance है जहाँ पे hard disk है उसको अगर vibration मिल गया, shock लग गया तो कहीं ना कहीं आपके chances है आपका जो hard disk के ऊपर का data है वहाँ पे वो crash होने के या hard disk damage होने के बहुत सारे chances है, कहीं ना कहीं आपको as comparatively ESSD DVR में वैसा कुछ नहीं। एज कंपेरेटिव लाइफ स्पैन आप देखोगे 4 to 5 years ये लाइफ स्पैन आपके हार्ड ड्राइव का रहता है, बट एस एस डी की बात करें तो वहां पे 10 years तक आपकी जो एस एस डी है ये चल सकती है। सो दिस इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे हमने ये कंपेयर करके देखा कि हार्ड डिस्क को एस एस डी के साथ ई एस एस डी के साथ कंपेयर करोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए ये यूज होता है एंड वहां पे स्टोरेज जो है ये आपका एश्योर स्टोरेज वहां पे रहता है, क्योंकि बहुत सारे वहां पे बेनिफिट्स आपको एसएसडी चिप के थ्रू वहां पे मिल जाते हैं। सो इफ यू आर टॉकिंग एंड मोर व्हाई वी चूज ईएसएसडी अगेन,
सो सेकेंड हैंड मार्केट भी हार्ड डिस्क का वहां पे है जहां पे सेकेंड हैंड डिस्क ड्राइव्स अवेलेबल रहते हैं जो ऑलरेडी यूज हुए रहते हैं 3 to 4 years आफ्टर दैट सम प्योर पीपल आर परचेसिंग दिस सेकेंड हैंड ड्राइव्स एंड दे आर इंस्टॉलिंग इन देयर हार्ड ड्राइव्स देयर डीवीआरस. सो व्हाट इज द पेन पॉइंट आफ्टर अ फ्यू इयर्स ऑफ यूज द फेल्योर रेट इज हाई व्हेन दे ब्रॉट इट. सो आफ्टर ऑलरेडी यूज हुआ है सेकेंड हैंड हार्ड डिस्क 2-3 years then again you are using this in one more DVR then it will immediately get failed within the next 2-3 years only. So as we are comparatively after use of more than 4 years the failure rate of hard drives will increase rapidly. So as per the hard drive survival rate है जो वहाँ पे एक report के जरिए आपको ये बताता है कि जहाँ पे lab test के अनुसार जो मिनिमम हार्ड डिस्क का लाइफ स्पैन है जो चलती हार्ड डिस्क ये 3 to 4 years तक है उसके बाद ये हार्ड डिस्क जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देना शुरू करती है आपके डेटा जो है वहाँ पे सेव नहीं रह सकता. सो दिस इज द लाइफ स्पैन ऑफ द हार्ड डिस्क इज कंपैरेटिवली वेरी लेस. सो जहाँ पे ई एस एस डी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेगा एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू चूज द ई एस एस डी. हमारे कुछ पार्टनर ने वहां पे एक क्वेश्चन पूछा है प्रामा 01182 हाउ टू चेंज ईएसएसडी एसडीडी. सो डेफिनेटली मेरे आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा आने वाले स्लाइड पे कैसे चेंज करना है क्या होना है क्या आप खुद चेंज कर सकते हो नहीं कर सकते हो सभी का मैं आंसर बताने वाला हूं आपको. आई एम गोइंग टू बी डिस्कस इन दिस टेक्नोलॉजी टॉक. सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस सेशन कैन सेंड टू आर एम ए. यस हमारे पार्टनर से वहाँ पे एक टीम टेक्नोलॉजी स्टॉक ने बताया कि आर एम ए में सेंड कर सकते एक सोल्यूशन है. सो नाउ अगेन वी आर बैक टू द सेशन सेशन के ऊपर बैक आते हैं व्हाई वी चूज अगेन ई एस एस डी कंपेयर विद कंज्यूमर एस एस डी. हमने पहला कंपेरिजन देखा था तो ये कंपेरिजन था आपके एस एस डी का हार्ड डिस्क के साथ बट कुछ लोग बोलते हैं कि कंज्यूमर एस एस डीज भी मार्केट में है क्यों उसको यूज नहीं किया क्या उसके कंपैरेटिवली आपका ईएसएसडी वहां पे बेहतरीन है. सो पैरामीटर इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज द फर्स्ट इज अ नैंड. ओके जहां पे नैंड सेल्स वहां पे अवेलेबल है एसएसडी के अंदर जहां पे ऑर्डरिंग नैंड विच हेल्प्स टू लोअर रिक्वायरमेंट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग कैपेसिटी इज देयर इन नॉर्मल कंज्यूमर एसएसडी बट जहां पे ईएसएसडी है जो स्पेशली सिक्योरिटी एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया है यहां पे स्पेशल डेवलप नैंड है इस चिप के अंदर जहां पे रीड एंड राइट का जो परफॉर्मेंस है रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से ये वहां पे डेवलप किए हैं एंड द कैपेसिटी ऑफ रीड राइट इज वेरी मच हाई यू विल गेट इट इन दिस. सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स जो भी है एसएसडी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल का सोर्सेस करते हैं ये मेनी मैन्युफैक्चरर्स से यहां पे नॉर्मल कंज्यूमर एसएसडी में यूज करते हैं बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ई एस एस डी में एक पर्टिकुलरली यूनिफॉर्म एंड फिक्स सोर्सेस के थ्रू ही ये रॉ मटेरियल्स लिया जाता है एंड ये ई एस एस डी आपको वहां पे मैन्युफैक्चर करके वहां पे आपको प्रोवाइड की जाती है. सो मोर एंड मोर कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबिलिटी रिलायबिलिटी बहुत ही आपको ज्यादा मिल रही है कंज्यूमर एस एस डी से कंपेयर करोगे आप इस ई एस एस डी को. पैकिंग प्रोसेस भी आप देख सकोगे कि कंज्यूमर एसएसडी साइज में थोड़ी बड़ी है अलग अलग कंट्रोलर से चिप से उसके अंदर तो कहीं ना कहीं पैकिंग उसका भी बहुत डिफिकल्ट होता है वेयर एज ये जो है एक फ्यूअर स्टेप्स में आपका ईएसएसडी चिप पैक होके आपको वन टाइम पैकेज वहां पर मिल जाता है बोर्ड के ऊपर ये चिप बेस आपको वहां पर मिल रहा है. नॉर्मल कंज्यूमर एसएसडी की क्षमता काम करने की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो है एटलीस्ट पूरे दिन के 24 घंटे में से 8 घंटे ही कंटिन्यूअसली काम कर सकती है और वीक के 5 डेज तक ये काम कर सकती है बट कहीं ना कहीं आप अगर ईएसएसडी में जाते हो तो वो आपको 24/7 प्रोवाइड वर्किंग कर वर्किंग का जो है ये प्रोविजन आपके लिए अवेलेबल कर देगी. सो दैट मीन्स हमारा डीवीआर जो है 24/7 ऑन रहना चाहिए रिकॉर्डिंग होनी चाहिए रीडिंग राइटिंग होना चाहिए. सो दैट मीन्स ये ईएसएसडी कहीं ना कहीं हाइकविजन ने यहाँ पे डेवलप किए है वो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के वहां पे डेवलप किए है तो कहीं ना कहीं आपको जो है ये ईएसएसडी बेहतरीन 24/7 परफॉर्मेंस ये जरूर यहाँ पे अवेलेबल करके देंगे. सो कंज्यूमर एसएसडी के कंपैरेटिवली लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे कि ये इक्विजन का ईएसएसडी जो है चीप ये कितना बेहतरीन रहेगा तो ये भी हमने बताया था. हमने देखा कि हार्ड डिस्क को कंपेयर करोगे तो हार्ड डिस्क में प्लेटर्स रहते हैं मूवेबल पार्ट्स रहते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका जो यहाँ पे हार्ड डिस्क में ज्यादा मैकेनिकल पार्ट है तो उससे शॉक रेजिस्टेंस भी इतना है नहीं तो हार्ड डिस्क
हार्ड डिस्क जो 3 to 4 या मैक्सिमम 5 ईयर चलेगी, बट ये SSD आपका 10 ईयर सब लाइफ स्पैन इसको है। सो ये है कि हमने बात किया कि अगर बात करें ड्यूरेबिलिटी की, स्टोरेज डिवाइस की, स्टोरेज पार्ट की, तो कहीं ना कहीं आपकी SSD ये पे बहुत ही बेहतरीन हो गई है। सो वी हैव डन दिस। सो अगेन बात करें नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, पहले तो हमने देखा कि ये कितना फिजिबल है, कितना स्टेबल है ये स्टोरेज, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू टॉक इको फ्रेंडली। ओके, EDVR बोला है, नेक्स्ट जनरेशन EDVR जहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली भी ये EDVR है जो आपके एंड कस्टमर के लिए बहुत ही एक अच्छा वहाँ पे USP है जो आप बता सकते हो। सो लेट्स विल डिस्कस ऑन दैट पॉइंट व्हिच इज इको फ्रेंडली फीचर ऑफ EDVR। सो आप जहाँ पे देखोगे कि इको फ्रेंडली पॉइंट्स की बात करोगे तो पावर कंज्यूमशन, ये जो है EDVR ये लो पावर कंज्यूमशन जहां पे करता है, तो ऑन योर स्क्रीन आप देख सकते हो कि थ्योरेटिकल वैल्यू है टोटल मोर देन 9 वाट जो है ये आपका नॉर्मल DVR लेता है। बेसिकली आप देखोगे कंपेयर करोगे तो आपका जो DVR है ये 5 to 6 वाट लेता है पावर कंज्यूमशन विदाउट एनी हार्ड टेस्ट। सो अगर नॉर्मल ट्रेडिशनल DVR के अंदर अगर आप हार्ड ड्राइव कनेक्ट करते हो तो वो एडिशनली हार्ड ड्राइव 4 वैट तक पावर वैटेज खींचेगा। सो 5 प्लस 4 टोटल मोर देन 9 वैट जो है ये आपका 1 TB का हार्ड डिस्क जो है वहां पे 4 वैट कंज्यूम करेगा, DVR आपका जो है 5 टू 6 वैट कंज्यूम करेगा। सो मोर देन 9 वैट कंज्यूमशन पावर का वहां पे आपका नॉर्मल DVR कर रहा है, बट कहीं ना कहीं EDVR जो है ये 5.40 to 5.76 वैट तक अप्रोक्सीमेटली पावर का कंज्यूमशन करता है। व्हाई? बिकॉज़ DVR जितना पावर का कंज्यूमशन है वो बोर्ड जो है उसके अंदर पावर जो कंज्यूमशन हो रही है ये अराउंड 5 टू 6 वैट है, बट SSD चीप है ये 0.5 वैट ही पावर कंज्यूमशन कर रही है। सो दैट इज द बेस्ट एज कंपैरेटिवली विद द हार्ड ड्राइव जहां पे 4 वैट पावर कंज्यूमशन हो रहा है, तो यहां पे बस SSD चीप जो है 0.5 वैट पावर कंज्यूमशन वहां पे करती है। So that is one more good advantage from the test. EDVR saves about the 45% power consumption. So ये बहुत ही बेहतरीन USPs है, एक selling point है जहाँ पे आप end customers को आपको बता सकते हो, जो कहीं ना कहीं आपको जो है जो electricity bill है उसके ऊपर जो burden आता है 24/7 continuously ये product चालू रखना चाहिए because security product. So कहीं ना कहीं power consumption ज़्यादा हो रहा है, सो आप जो है आपका जो कॉस्ट है इस EDVR का पावर कंज्यूमशन रिलेटेड वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और डेफिनेटली आपके एंड कस्टमर को इसका बेनिफिट हो सकता है। सो दैट इज अ सेकेंड एडवांटेज यू कैन डिस्कस विद कस्टमर। सो एंड्यूरिंग स्टोरेज, जहाँ पे यस स्टोरेज की कैपेसिटी, स्टोरेज ड्यूरेशन, हार्डवेयर रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस एंड डेटा रिकवरी, दैट फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे एंड्यूरिंग स्टोरेज के ऊपर हम डिस्कस करने वाले। So, जैसे कि बहुत सारे लोगों के जब ये DVR लॉन्च हुआ था तो लोगों ने पूछा था कितने स्पेस में ये DVR अवेलेबल है, क्या कैपेसिटी है। सो वहां पे 300 GB, 330 GB एंड 512 GB स्पेस में 4 चैनल में 8 चैनल में ये DVR अवेलेबल है। आउट ऑफ दैट हाउ मेनी स्पेस यू विल, हाउ मच ऑफ स्पेस यू विल गेट फॉर एक्चुअल रिकॉर्डिंग पर्पज, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए कितना स्पेस आपको मिल जाता है, क्या ये स्पेस सफिशियंट है, कितने दिन के रिकॉर्डिंग इसमें मिलेगी, हाउ मेनी डेज ऑफ रिकॉर्डिंग यू विल गेट फॉर दिस पर्टिकुलरली स्मॉल स्पेस, ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ द टेक्नोलॉजी यू विल गेट इट टू गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ यू इन मैक्सिमम डेज इन योर EDVR। सेकेंडली नेक्स्ट एक्सटेंडेबिलिटी, जहां पे लोग पूछते हैं कि सवाल की मुझे एक्सटेंड करनी है कैपेसिटी तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है, सो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ हमारे क्वेश्चन लोगों ने पूछा है, इज इट पॉसिबल फॉर EDVR आल्सो सपोर्ट अलार्म कैमरा। यस डेफिनेटली, स्मार्ट कैमराज अगर आप वहाँ पे यूज करते हो तो ये EDVR जो है यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो और आप उसकी मदद से आप स्मार्ट फंक्शंस भी यूज कर सकते हो। इज इट पॉसिबल देन, एंड विक्रम हमारे पूछ रहे एक पार्टनर है, एंड SSD कार्ड की स्टोरेज कैपेसिटी अपडेट होती है क्या? SSD कार्ड की स्टोरेज कैपेसिटी, सर SSD यहाँ पे चिप बोर्ड के ऊपर वहाँ पे इस एम्बेडेड किया हुआ चिप है एंड डेफिनेटली इसकी जो कैपेसिटी है ये अपडेट होती है क्या, विल डेफिनेटली डिस्कस ऑन दिस पॉइंट। सो ओके, होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड कि क्या क्या हमने चीजें डिस्कस की। सबसे पहले कंपेयर किया हार्ड डिस्क के थ्रू,
देन कंज्यूमर एसएसडी के थ्रू कंपेयर किया. सो ई एसएसडी कितनी बेहतरीन है वो हमने जाना. सो आफ्टर दैट पावर कंज्यूमशन की हम बात कर रहे थे, तो जहाँ पे पावर कंज्यूमशन जो है ई एसएसडी डीवीआर का ये 5 to 6 वाट के बीच में आ जाता है, 0.5 तक का वैटेज पावर कंज्यूमशन ले रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका जो कंज्यूमशन है वो भी बहुत आप सेव कर सकते हो. तो ये भी पॉइंट देखा. इसके बाद स्टोरेज रिलेटेड पॉइंट हम देख रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. लेट्स लुक थ्रू अ प्रेजेंटेशन जहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टोरेज रिलेटेड अगर बात करें इस डीवीआर की. सो जहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी इज कम्प्लीटली, ये डीवीआर का आप इस चिप का देख सकते हो, ये 330 GB तक का बिल्ट इन स्टोरेज यहाँ पे अवेलेबल है. सो इफ यू आर गोइंग फॉर द एंट्री लेवल मॉडल, दैट इज अ 4 चैनल का अगर आप मॉडल वहां पे परचेस करते हो, तो आपको 330 GB का बिल्ट इन चिप यहाँ पे मिल जाता है. नाउ अगेन पीपल विल आस्क द क्वेश्चन दैट क्या मुझे 330 GB होल्ड स्पेस पूरी रिकॉर्डिंग के लिए मिलेगी? नहीं, इट्स अ टेक्नोलॉजी, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ बैकएंड, आल्सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन. सो जहां पे आपको पूरी ईएसएसडी सिस्टम में 300 GB का आउट ऑफ 330 GB 300 GB का स्पेस अवेलेबल है, जिसमें 30 GB जो है डेटाबेस, बैड ब्लॉक मैनेजमेंट एक्सेट्रा एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे यूज होता है, और रिमेनिंग 270 GB और लेस देन दैट द स्पेस यू विल गेट इट फ्री कंप्लीटली फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ योर वीडियोस. सो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपको जो है 270 GB तक का स्पेस यहाँ पे मिल सकता है, एंड अदर स्पेस है ये आपका बैड ब्लॉक मैनेजमेंट या अदर डेटाबेस के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए ये आपके लिए यूज होता है. सो दिस इज द स्टोरेज कैपेसिटी. नाउ हाउ द स्टोरेज ड्यूरेशन, व्हाट अबाउट द स्टोरेज ड्यूरेशन? सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस ऑन द स्टोरेज ड्यूरेशन, देखते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है. मोस्ट ऑफ द डीवीआर में आपने देखा होगा S.265 कंप्रेशन यहाँ पे मिलता है. ओके, सो S.265 कंप्रेशन की मदद से आपको जो स्टोरेज स्पेस जो है जहाँ पे ज्यादा दिन की रिकॉर्डिंग आप स्टोर कर सकते हो आप नॉर्मल डीवीआर में, एनवीआर में, देन उसके साथ साथ वहां पे आपका जो बैंडविड्थ है ये भी सेव हो जाता है. तो कहीं ना कहीं सेम काइंड ऑफ द टेक्नोलॉजी इज यूज ओवर हियर, बट S.265 बेस सीन एडेप्टिव बिटरेट कंट्रोल. ओके, सीन एडेप्टिव बिटरेट कंट्रोल ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज हुई है, जहाँ पे ये उंगली उंगली आपके ESSD DVR में मिल जाती है. सो लेट्स विल अंडरस्टैंड हाउ इट इज वर्क. एक्चुअली आप देख सकते हो कि बिटरेट जो है एज पर योर सीन, जैसे कि नाइट टाइम में आपका जो कैमराज है वो वीडियो कैप्चर करते हैं एंड वो वीडियो जो है आपके डीवीआर में रिकॉर्डिंग होती है. नाइट टाइम में इतनी मूवमेंट लोगों की नहीं रहती है, सो दैट्स वाई अकॉर्डिंगली द बिटरेट इज वेरी लो, बट इन द डे टाइम मॉर्निंग टाइम द बिटरेट विल बी गेट चेंज. सो देयर इज अ बिटरेट विल वेरी फ्रॉम द नाइट टाइम टू मॉर्निंग टाइम, देन अगेन फॉर द लंच टाइम द लॉट्स ऑफ पीपल विल कम इन फ्रंट ऑफ द कैमराज, सो ड्यूरिंग दैट अगेन बिटरेट विल गो हाई. सो ideal methodology is over that there is a two types of bitrates are available while recording purpose. There is a settings is either on variable bitrate or constant bitrate. ये दो bitrate के mode थे जो आपके normally usually आपके DVR में settings में मिल जाते हैं. आप variable bitrate रखते हो तो according आपका scene change होता है, उस हिसाब से उस instant के लिए ये आपका जो bitrate है ये change कर देता है. अगर आप constant bitrate रखते हो तो एक ही fixed bitrate आपके जो है ये यूज होते हैं, उसके हिसाब से आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो होती रहती है. बट वेयर एज यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज ऑल्सो ऑन द क्वालिटी ऑफ योर इमेज व्हाइल रिकॉर्डिंग इन योर डीवीआर. सो एक्विजन वर्क स्मार्टली ऑन दिस एंड दे हैव डेवलप्ड दिस सीन एडेप्टिव बिटरेट कंट्रोल टेक्नोलॉजी, जहां पे आप देख सकते हो कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 अलग अलग सीन जो है ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और ये अलग अलग सीन्स के अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई किया जाता है कि सीन का लेवल क्या है, सीन में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, उस हिसाब से उस सीन को उस लेवल में यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, एंड उस हिसाब से जो बिटरेट है उस पर्टिकुलरली सीन को अलॉट किए जाते हैं. सो आप देख सकते हो कि एग्जांपल 4 कॉम्प्लेक्स सीन आउटसाइड द ऑफिस पार, यहाँ पे आपको 4 अलग अलग इमेजेस दिए हैं, 4 अलग अलग कैमरास लगे हैं उस ईडीवीआर को, एंड वो 4 अलग अलग एरियाज की इमेजेस ले रहे हैं. तो यहाँ पे एक लर्निंग हो जाएगी, कैमरा आपका जो डीवीआर है ये लर्न करेगा कि एक्चुअल सिनारियो आपके कैमरा के सामने का कैसा है, एंड उस अकॉर्डिंगली उस सिनारियो को एक पर्टिकुलरली लेवल में ऐड कर देता है, एंड बेस्ड ऑन दैट योर बिट रेट एवरेज बिट रेट अकॉर्डिंग टू द सीन एडेप्टिव बिट रेट विल बी गेट कंट्रोल्ड, एंड उसके हिसाब से जो आपके
एसएसडी स्पेस का अलोकेशन है वो यहाँ पे ये डीपीआर कर देता है। सो एसएसडी स्टोरेज कैपेसिटी ट्रेंड डायग्राम जो आपको दिख रही है राइट साइड में, उसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि मेरे पास 439 जीबी की स्पेस वहां पे अवेलेबल थी, एंड देन उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली वहां पे नेक्स्ट मोर देन 11 डेज तक यहाँ पे रिकॉर्डिंग करता रहा। सो एवरी डे पर डे वन पर्टिकुलरली सेगमेंट ऑफ द स्टोरेज स्पेस दैट इज 33.7 जीबी तक की जो स्पेस है ये एवरी डे यहाँ पे कंज्यूम हो रही है। सो द पैटर्न ऑफ द स्टोरेज कंज्यूमशन, ओके, स्टोरेज डिवीजन का जो पैटर्न है ये कहीं ना कहीं वहां पे एक सिमिलर पैटर्न वहां पे आपको दिखाई दे रहा है। That is called as a SIB, adaptive bitrate control technology, जो आपके SSD DBR में यूज होती है। इसके बेस के ऊपर ही आपका जो है मोर देन 2 वीक्स तक का जो है रिकॉर्डिंग है ये आपको इस DBR में मिलता है। सीन को लर्न किया जाता है, उसको अलग अलग लेवल्स में कैटेगराइज किया जाता है, बेस ऑन दैट लेवल उसको जो है वहां पे बिटरेट अलोकेट होते हैं और स्टोरेज स्पेस वहां पे एक प्री अलोकेट हो जाता है। So like this technology works and based on that ये जो DVR है यहाँ पे ये काम करता है। So कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि pre allocated वहाँ पे space यहाँ पे मिल जाती है। So DVR था, 4 analog cameras connected थे and जहाँ पे इस DVR के अंदर recording हो रही थी, based on that you will get a 2 weeks recording. So this is basically a compression technology, okay? So जहाँ पे ये फायदा जो benefit है ये आपको मिलेंगे only and only when you connect the analog camera. Now people, there is a lots of question, क्या इस ESSD DVR के अंदर अगर network port दिया है तो क्या मैं IP camera इसके अंदर add कर सकता हूँ? अगर मैं IP camera add करता हूँ फिर भी मुझे ये scene allocation के through maximum days की recording मैं इसमें कर सकता हूँ? So just let me clear you to everyone, compression जो है ये एनालॉग और आपके डीवीआर के बेस को अगर कंपेयर करोगे टेक्नोलॉजी को समझोगे तो एनालॉग और डीवीआर के कंसिडरेशन में कंप्रेशन जो है आपका डीवीआर में होता है, और आईपी कैमरा और एनवीआर की बात करोगे, इफ यू आर टॉकिंग ऑन दिस आईपी कैमरा एनवीआर, द कंप्रेशन हैपेंस एट द कैमरा एंड, ओके। सो कहीं ना कहीं आईपी कैमरा वहां पे कंप्रेशन आपका करता है एंड देन वो डेटा आपके डीवीआर के पास वहां पे भेज देता है। सो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट दिस काइंड ऑफ द गुड फीचर्स when you are using the IP camera with your DVR. So we recommend use this kind of the scene adaptive bitrate control technology and make the maximum use of this DVR, whereas if you are going to connect in the analog camera. So jahan pe yahan pe aap dekhoge IP camera connect kiya hai, IP camera ne image capture kiya hai, encoding bhi H.265 plus ka ek vision ki us IP camera mein ho gaya, then jo data hai simply storage karne ke liye wahan pe aapke DVR mein bhej diya gaya. So, कहीं ना कहीं ये एक बात ध्यान है आपको रखना पड़ेगा, अगर आपका स्टोरेज ड्यूरेशन है ये आपको अचीव करना है, आईपी कैमरा एक्सेस करोगे तो वो कितना मिलेगा और एनालॉग कैमरास एक्सेस करोगे तो कितना मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है। सो वी हैव डिस्कस विद दिस पॉइंट की स्टोरेज की बात करें, सो ईडीवीआर कैन स्टोर अबाउट द 2 वीक्स बेस्ड ऑन द H.265 बेस्ड सीन एडेप्टिव बैटरी विच इज ओनली अवेलेबल फॉर एनालॉग चैनल्स। सो ये बात ध्यान रखना जरूरी है, हमारे सारे जो पार्टनर्स है, SRD पार्टनर्स है, इंस्टॉलर्स है, इंजीनियर्स है, जो भी कनेक्टेड हो, कमिटमेंट आपको करना है सर ये 2 वीक की रिकॉर्डिंग देता है, बट कहीं ना कहीं आप एनालॉग कैमरास यूज करोगे तो ही आईपी कैमरा यूज करने के लिए जाओगे तो कंप्रेशन है सीधा आईपी कैमरा में हो जाता है, तो ये फीचर जो है आपको ज्यादा वहां पर यूजफुल नहीं होगी, आपका स्टोरेज है ये कम दिन का ही आपको मिल सकता है। सो स्टोरेज ड्यूरेशन की बात करें, एक्सपांशन, नाउ इट्स कॉल्ड एज एक्सपांशन, so let's many more people having this issues ki expansion ka kya hai. So there are the 3 ways to expand the storage value, aapko pata chala hoga aapke screen ke upar dikh raha hai. The number 1 is that extend by USB storage will release in May, okay, extend by USB storage, yes. Many more people ka feedbacks, jaise hi humne launch kiya tha ESSD DVR ko market mein, log bol rahe the sir 4 channel ka DVR hai bas 300 GB tak ka space mil raha hai, kahin na kahin bahut kam space hai, expansion ki kya chances hai? To number 1 ki soon we are going to be the release in the main DVR which helps to extend its capacity with the USB storage. Aap USB storage laga ke kahin na kahin aapke jo storage ki capacity aap extend kar sakte ho, but वो DVR वहां पे आपको अलग से रहेगा। सेकेंड ऑप्शन इज दैट चेंज ESSD चिप टू हायर कैपेसिटी 1 थ्रू RMA।
So in future, definitely, if you want to change the capacity of your DBR, you require to contact your Hikvision, and the RMA team will definitely support for that. Third, eDBR with large storage. In future, yes, we are also coming up with 1 TB eDBR. Will launch going to be soon. So कहीं ना कहीं day by day यहाँ पे upgradation हो रही है. So आपको जो बेहतरीन 1 TB तक का capacity का जो SSD chip है, ये भी DBRs में मिलेगा. वो वाले model जो है, ये soon upcoming वहाँ पे market में definitely आ जाएंगे. So this is just start of the e-generation DBR with the SSD chip, जहाँ पे ये तो शुरुआत है. आप देख रहे हो, use कर रहे हो, understand कर रहे हो, and जैसे ही आपका ये use बढ़ता रहेगा, लोगों की requirement बढ़ती रहेगी, ये eDBR जो है popular होता रहेगा market में. Definitely Hikvision भी उसके साथ अब बहुत सारी feature, additional storage capacity और आपके लिए जो है support market में लाता रहेगा. So, ये हमने देखा कि एक्सपांशन का क्या था. होप जिन्होंने जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनके जो डाउट है ये सॉल्व हो गए होंगे. जो भी क्वेश्चंस थे उनके ये आंसर्स मेरे स्लाइड से आपको मिल गया होगा. सो देखते हैं कि जहाँ पे हमने ये eDBR के ऊपर हम बात कर रहे थे कि व्हाट आर देयर फीचर्स एंड एडवांटेजेस आर देयर those who can discuss with your end customer. So let's जहाँ पे देखते हैं कि अलग अलग फीचर्स की बात कर रहे थे, तो जहाँ पे हमने अलग अलग फीचर्स को देखे, बट ये एक्सपांशन है. रिलायबिलिटी की मेन सबसे बात बहुत सारे लोग करते हैं कि सर रिलायबल कितना है, फेल्योर रेट इसका कितना है ESSD चिप का. अगर मैं eDBR परचेस करता हूँ, डेफिनेटली कॉम्पैक्ट साइज है, सब कुछ अच्छा है सर, बट इसका अगर फेल्योर हो गया तो क्या हो सकता है, क्या फेल्योर रेट है इसका एज कंपेरेटिवली विद SSD या एज कंपेरेटिवली आपका अगर कंज्यूमर SSD अगर आप यूज कर सकते हो तो. सो देखते हैं कि प्रेजेंटेशन के थ्रू एज वी आर कंपेरेटिवली द सिंपलर द सिस्टम द लोअर द फेल्योर रेट. That's it. That is a rule. जितने भी सिस्टम है आपकी वो जितनी कॉम्प्लेक्स रहेगी फेल्योर रेट ज्यादा रहेगा, जितनी वहां पे सिंपल रहेगी फेल्योर रेट वहां पे कम रहेगी. तो 5% जहां पे फेल्योर रेट जो है फर्स्ट 2 years ऑफ फेल्योर रेट यू विल गेट इट इन द SSD. देयर इज लॉट्स ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स आर देयर, लॉट्स ऑफ मूवमेंट्स आर देयर, जो मैकेनिकल मूवमेंट्स होते हैं एंड एवरीथिंग आर अवेलेबल ओवर देयर. सो कहीं ना कहीं आप देखोगे इस कंपैरेटिवली की अगर ये प्रोडक्ट्स की बात करोगे तो जहां पे फेल्योर रेट फॉर द फर्स्ट 2 years इज द 5%, बट जहां पे 0.84% फेल्योर रेट आपको SSD में मिलता है एंड ESSD चिप की बात करें तो लेस देन 0.84% फेल्योर रेट यहां पे अवेलेबल है. तो ESSD में आप देखोगे कि कैश मेमोरी वहां पे NAND फ्लैश मेमोरी, यहां पे कंट्रोलर एक ही SSD चिप्स पे यहां पे एम्बॉस किया है. तो कहीं ना कहीं जहां पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है फेल्योर रेट भी यहां पे बहुत ही कम आपको मिल रहा है. सो दिस ESSD चिप जो है ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा रिलायबल है. हार्ड डिस्क को लेके कंपेरेटिवली किया, कंज्यूमर SSD को कंपेयर किया, स्टिल मेनी मोर पीपल आर आस्किंग क्वेश्चन कि हार्डवेयर रिलायबिलिटी क्या है. चलो हम ये ESSD चिप को यूज कर सकते हैं बट लाइफ लॉन्ग तक ये कंप्लीटली बहुत आगे वाले 10 साल तक चलेगा नहीं चलेगा, क्या गारंटी है. So that's why today's session is there to answer your all queries and questions. So hardware reliability की बात करें, so आपके लिए मैं यहाँ पे कुछ test reports लेके आया हूँ and I'm going to be explain about this. So as you see on this test report, so this is a test standard which has been maintained over there by JEDEC standards, which is the number is that JES-D47E is a widely used reliability test standard है, जहाँ पे industrial grade electronics test standard यहाँ पे कहा जाता है, जहाँ पे test method एक apply की जाती है आपके ICs को, आपके chips को जो भी वहाँ पे develop होती है और उसका performance वहाँ पे check किया जाता है. So according to the simulation and testing happened over the 10 years by various means, then they have provided this ESSD chip is already tested with such kind of the scenario and given the best performance and the test result. So iske through jahan pe ye test already ho chuki hai reliability ki ya ESSD chip ki jo aap dekh sakte ho yahan pe. Apart from that, if you are going to talk about the more and more reliability test report for the hardware, that is a reliability test materials with they are using, that is the wires, glue, chips, plastic sealing material.
सो ऑल दिस थिंग्स ऑफ द ऑलरेडी टेस्टेड द सिमुलेशन इसका जो है अलग अलग लेवल पे हो चुका है एंड अकॉर्डिंग टू दिस दीज आर द टेस्ट कंडीशंस आर देयर विच इज फुलफिल्ड बाय दिस ESSD चिप एंड द टेस्ट रिपोर्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू जहाँ पे बेस्ट वहाँ पे टेस्ट रिजल्ट वहाँ पे प्रोवाइड हो चुके हैं एंड जहाँ पे ये ESSD लॉन्ग टर्म तक काम करने के लिए आपके लिए यहाँ पे रिलायबल वहाँ पे जरूर है. So Equation developed this ESSD chip, but the people are lots of they have the queries in their mind ki ye saalon tak chalegi ya kaise hoga. So definitely make sure that ye test report ki according agle 10 years tak ka life span tak humne simulation apply karke yahan pe testing is standard laboratories se iska jo hai testing ho chuka hai and definitely they have provided a proper report of the working of this ESSD chip of this DVR. सो रिलायबिलिटी की बात करें आपने देखा होगा स्क्रीन के ऊपर कहीं ना कहीं जो टेस्ट रिपोर्ट है वही बताते हैं कि हाउ द हार्डवेयर इज रिलायबल. सो मेक श्योर दैट कंप्लीटली टेस्ट रिजल्ट्स कैन बी गिव योर द परफॉर्मेंस टू अचीव अप टू द नेक्स्ट 10 ईयर्स. अगर आप परचेस करते हो EDVR को तो आपको वहाँ पे सपोर्ट या वारंटी तो मिलता है, अंदर का मेनू और ऑपरेशन ये भी आपको मिल जाता है, बट मेन जो है आपका मेन रीजन और कंसिडरेशन पॉइंट जो है ESSD चिप. ओके, तो ESSD चिप की रिलायबिलिटी भी है, कहीं ना कहीं ये सारे टेस्ट पास कर चुकी है और उसकी मदद से आपको जो है रिलायबिलिटी 10 ईयर्स तक यहाँ पे ESSD DVR में मिल सकती है. So talking about this more and more reliability, जो question था बहुत सारे लोगों का उसके ऊपर हमने discuss किया कि the all of test report के साथ ये EDVR की reliability वहाँ पे आपको मिल रही है. Now again you have a question, sir reliable तो है, आपने test report तो दिखा दिए हमको सारे, it's already yes definitely this DVR will work, but कहीं ना कहीं still अगर कुछ problem आया, okay. So how about the maintenance part or the repairing part of this ESSD chip or the DVR and how about the data recovery part? Okay. So ये questions आपके mind में जरूर कहीं ना कहीं ये रहेगा, बहुत सारे लोग already use कर रहे हैं, आज तक उनके mind में यही question है कि maintenance related ये DVR कैसा रहेगा, क्या इसके clauses रहेंगे या क्या steps रहेंगे if you required to consider that. So, उसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे. मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द मेंटेनेंस एंड द डेटा रिकवरी. ओके, सो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द प्रोसेस फॉर दिस. मेंटेनेंस प्रोसेस ऐसी रहेगी कि अगर आपका EDVR वहां पे डैमेज हो जाता है देन यू रिक्वायर टू सेंड इट टू द RMA अंडर द वारंटी पीरियड विल डेफिनेटली RMA विल कंसिडर इट एंड गिव योर फॉल्ट डिटेक्शन. They will check the fault, they find out the fault and check where is the fault actually and RMA provide the solution on this. Next, about the data recovery. अगर आपका EDVR है तो आपको send करना है और RMA definitely fault finding करके EDVR को आपको solution provide करेगा. Data recovery की भी बहुत सारे लोगों को consideration है, क्या data recover हो सकता है या data recover नहीं हो सकता. So if ESSD damage, अगर आपने DVR भेजा है RMA में और वहां पे कहीं ना कहीं उसका ESSD डैमेज हुआ है या ना हुआ है, ये दो कॉज रह सकते हैं. अगर आपका ESSD डैमेज हुआ है सो डेटा कांट बी रिकवर्ड. ओके, लाइक SGD में भी आपका वही होता है मोस्ट प्रोबेबली. वेयर एज अगर आपका वहां पे ESSD डैमेज नहीं हुआ है सो एक्सपोर्ट डेटा इज पॉसिबल वाया RMA. सो इन शॉर्ट अगर बात करेंगे तो क्लियर है कि आपका जो DVR है आपको RMA में भेजना है, कहीं ना कहीं ये RMA के थ्रू यहाँ पे आपके DVR में अगर चिप जो है ओके, सो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो जहां पे ये EDVR आपने RMA में भेजने के बाद अगर EDVR का बोर्ड में कुछ इशू है या उसके हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली RMA के पास से वहां पे ये रिपेयर करके अंडर वारंटी आपको ये मिल सकता है. बट डेटा रिकवरी की बात करें तो अगर आपकी ESSD जो है वो अगर डैमेज हो रही है तो डेटा रिकवरी आपकी पॉसिबल नहीं है. बट अगर ESSD डैमेज नहीं हुई है, कुछ बोर्ड में प्रॉब्लम है या कुछ अदर प्रोडक्ट्स पार्ट्स में वहां पे प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वहां पे कहीं ना कहीं जो आपको डेटा जो है RMA से एग्जिस्टिंग ESSD चिप जो वर्किंग है उसके ऊपर का डेटा जो है आपको एक्सपोर्ट करके मिल सकता है. सो दिस इज
जस्ट टेप्स वहां पे आप देख सकते हो, बट इट्स ऑल अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन यू नीड टू फॉलो, विच इज गिवन द गाइडलाइंस विच यू नीड टू फॉलो बाय आरएनए. सो इफ देर इज नो साटा पोर्ट ऑन ईडीपीआर बट द वीडियो रिकॉर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द कस्टमर एंड मस्ट टू बी ऑब्टेन, देन द हेडक्वार्टर द हेड ऑफिस विल डेफिनेटली विल ट्राई टू गेट यूर सपोर्ट एज इट इज, बट जो रूल्स एंड रेगुलेशन आरएनए के थ्रू है उसी के हिसाब से आपको वहां पे ईएसएसडी का सपोर्ट. Now it's the most important part and the very good news to all of us against for EDVR. जहाँ पे EDVR series की बात करें तो built with latest technology and backed by the warranty. So जहाँ पे बहुत सारे लोगों को वहाँ पे consideration था कि EDVR को सबसे पहले warranty कितने साल की है. So we just want to inform you that there is a 2 years warranty you will get it in the EDVR. Then EDVR क्या replace हो सकता है? Yes. Within 1 year, you will get the replacement, free replacement within 1 year of your EDVR. And third is that 5 years warranty separately you will get it for the ESSD chip. So, कहीं ना कहीं जो भी मन में doubt था ये definitely यहाँ पे clear हो गया आपको. पूरे DVR को जहाँ पे 2 साल की warranty आती है, next जहाँ पे within a first 1 year आपको जो है अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहां पे रिप्लेसमेंट मिल सकता है. एंड नेक्स्ट अगर आपका जो है ESSD चिप्स की बात करें, आपको अगर कुछ डाउट है, 10 ईयर लाइफ स्पेन तो है ही, बहुत ही बेहतरीन तो चलेगा ही, बट स्टिल नेक्स्ट 5 ईयर्स तक जो है आपको जो पे सेपरेटली ESSD चिप के ऊपर वहां पे वारंटी मिल जाती है. सो होप दिस पॉइंट इज गेट क्लियर विथ एवरीवन. एंड जहां पे ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको ये पता चला होगा कि कैसे ये वहाँ पे आपके लिए वहाँ पे काम करेगा. सो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस की कि वारंटी के बारे में, कि ESSD DVR की वारंटी यहाँ पे कैसी है. सो जहाँ पे 2 ईयर्स देन 1 ईयर रिप्लेसमेंट एंड 5 ईयर्स चिप्स के लिए वहाँ पे वारंटी है. देन इजी टू सेटअप एंड यूज है ये EDVR. कुछ लोगों को लगता है कि EDVR कॉम्प्लिकेटेड है, क्या इंस्टॉलेशन कैसा रहेगा, स्मार्ट कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स कैसे कर सकते हैं. सो इट्स ऑल वेरी सिंपल स्टेप्स एंड इजी टू यूज फॉर दिस DVR. जहाँ पे आप देखोगे कि कन्वेंशनल DVR की बात करें, स्क्रूज को लूज करना पड़ता है, ओके. देन वहाँ पे जो पैनल है ये ओपन करना पड़ेगा. सो ओपन द कवर, लूजन द स्क्रूज, ओपन द कवर, देन उसके बाद हार्ड डिस्क को कनेक्टर लगा के हार्ड डिस्क को इंस्टॉल कर दो, देन क्लोज द केस अगेन एंड देन टाइटन द स्क्रूज अगेन. द लॉट्स ऑफ स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड टू सिंपली जस्ट स्टार्ट द सेटअप ऑफ योर DVR. दे कनेक्ट टू द कैमरा, जो एनालॉग कैमरा है फिजिकली कनेक्ट करने पड़ेंगे, देन अप्लाई द सेटिंग्स टू ऑल. सो जहाँ पे आपका जो है 9 to 10 स्टेप्स यहाँ पे वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं 12.5 मिनट्स एवरेज वहाँ पे ले लेता है. सो जहाँ पे कहीं ना कहीं EDVR की बात करें तो कनेक्ट कर दो कैमरा, सिंपली बॉक्स में से निकालो, पावर कनेक्ट कर दो, कैमरास को कनेक्ट कर दो, अप्लाई कर दो सेटिंग्स. सो यस, विद इन 3.25 मिनट्स यू कैन इंस्टॉल योर कंप्लीट EDVR सेटअप. नो नीड टू इंस्टॉल द हार्ड ड्राइव. टाइम सेविंग भी जहाँ पे हो गया, यहाँ पे अबाउट 70% टाइम सेविंग हो गया. पावर कंजम्पशन वहां पे हुआ था 45%, टाइम सेविंग यहाँ पे इंस्टॉलेशन का 70% तक यहाँ पे आपको EDVR में हो गया. सो बहुत सारे एडवांटेज है, इजी टू इंस्टॉल है ये प्रोडक्ट एंड मोस्ट प्रोबेबली वहां पे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है. एफिशिएंट वीडियो एनालिटिक्स, कुछ क्वेश्चन हमारे पास थे, हाउ टू प्ले बैक द ह्यूमन एंड व्हीकल इन मोबाइल ऐप. जहाँ पे कहीं ना कहीं आप मोबाइल ऐप में जाओगे और सेटिंग्स में चेक करोगे तो वहां पे आपको ये एप्लीकेशंस में सेटिंग्स नजर आएगी, बट यू कैन फर्स्ट बिफोर दैट यू नीड टू कॉन्फिगर इट विद योर DVR. तो एफिशिएंट वीडियो एनालिटिक्स की बात करें तो ह्यूमन एंड व्हीकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डीप लर्निंग एल्गोरिदम. सो जहाँ पे आपको जो है मोस्ट एफिशिएंट, दैट इज अ मोशन डिटेक्शन 2.0 जो एल्गोरिदम है ये यहाँ पे DVR में मिलता है. तो आपके व्यू के अंदर कैमरा के व्यूज के ऊपर सामने कोई अगर ह्यूमन पर्सन एंड व्हीकल अगर आ जाती है तो कहीं ना कहीं आपको जो है अलर्ट है इस DVR के थ्रू मिल जाएगा. सो एक्यूरेटली सेंस करेगा आपके ह्यूमन और व्हीकल की एंड बेस्ड ऑन दैट इट विल गिव्स योर अलर्ट. सो स्मार्ट फंक्शंस भी इस DVR में अवेलेबल है. ओवरऑल समरी देखा, 10 The benefits of ESSD DVR compared to SDD and SSD for consumers, ये भी हमने देखी. First of all, तो हमने जब देखा था इस केस में, जहाँ पे comparison की बात करें तो benefit बहुत थे. Hard drive बहुत ही mechanical moving part थी, vibration proof नहीं थी,
और कंज्यूमर एसएसडी में भी बहुत ही वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सर्किटरी थी, उसको अगर कंपेयर करें तो ई एसएसडी चिप वहाँ भी बहुत ही कॉम्पैक्ट है। पावर कंज्यूमशन दोनों की देखिए तो जहाँ पे 10 से 12 वाट आपका जो है नॉर्मल डीवीआर ट्रेडिशनल डीवीआर लेता है, जहाँ पे ये सिर्फ 4.5 टू 5 वैट तक वहाँ पे प्रोवाइड करेगा पावर वेटेज। स्टोरेज ड्यूरेशन भी 2 वीक्स तक वहाँ पे मिल रहा है, रिलायबल स्टोरेज है। ई एस एस डी की रिलायबिलिटी भी बहुत है, 10 साल तक वारंटी है। टेस्ट रिपोर्ट भी हमने ऑलरेडी देखे। मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव सीन हाउ वी कैन डू द मेंटेनेंस, व्हाट इज द आरएमएस स्टेप्स ओवर देयर, व्हेयर डू यू रिक्वायर टू, इन व्हिच केस यू विल गेट द डेटा रिकवरी, व्हिच केस यू विल गेट द रिपेयरिंग ऑफ ईडीवीआर। सो एवरीथिंग वी हैव डन चेक एंड द फास्ट सेटअप इंस्टॉलेशन क्विकली 3.25 मिनट्स के अंदर आप इजिली इस ईडीवीआर को इंस्टॉल कर सकते हो। सो लॉट्स ऑफ फीचर्स है, सभी को फिर पता चला होगा कि क्या क्या फीचर्स देखे हमने समझे। सो होप यू हैव गॉट अंडरस्टैंड। सो कैन एनीवन, जो भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, कैन यू जस्ट टाइप सम 2 और 3 फीचर्स, क्या क्या फीचर्स है इस डीवीआर में आपने देखे। मिनिमम 3 फीचर्स टाइप अगर कर सकते हो तो डेफिनेटली कैन टाइप इन द चैट बॉक्स जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप ये ESSD DVR अगर खरीदना चाहोगे तो क्या एडवांटेज आपको ESSD DVR से मिल सकते हैं? कम ऑन, टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सो लेट्स विल गेट अंडरस्टैंड, जो भी सेलिंग पॉइंट है आज का सेशन का, मतलब वही था कि EDVR का जो सेलिंग पॉइंट है, इसके एडवांटेज है, इसके ऊपर हमें टॉक करना था, डिस्कशन करना था, वो हमने किया है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, क्या मिनिमम 3 पॉइंट है जो इसको कह के आप ये इस EDVR को वहाँ पे डेफिनेटली आपके एंड कस्टमर को वहाँ पे ये EDVR को आप दे सकते हो और एक बेहतरीन सॉल्यूशन, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस वहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हो। सो यस, पीपल आर स्टार्टेड मैसेजिंग। मिस्टर रवि किशोर जिन्होंने कहा है स्मॉल साइज EDVR है एंड लो पावर कंज्यूमशन, SG इन्फोटेक हमारे पार्टनर बता रहे। और एक फीचर है, आशीष पांडे जी बता रहे, जहाँ पे मोशन डिटेक्शन 2.0, यस राइट, मोशन डिटेक्शन 2.0 है। राशि टेक्नोलॉजी जो है हमारे पार्टनर, उन्होंने तो डायरेक्ट लिख दिया है कि फास्ट सेटअप, रिलायबिलिटी ऑफ स्टोरेज एंड लेसर पावर कंज्यूमशन। सो बहुत ही एडवांटेज है, इजी इंस्टॉलेशन, मोर देन मिनिमम 4 to 5 एडवांटेज एंड USPs यू आर देयर विद दिस EDVR। सो प्लग एंड प्ले भी है, सो मोस्टली बेहतरीन प्रोडक्ट है, मोस्ट ऑफ द लोगों ने यूज किया होगा एंड यूज कर ही रहे, एंड आगे जाके भी आप एंड कस्टमर को ये सारे पॉइंट को ऊपर डिस्कस करके आप डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है EDVR का ये बढ़ा सकते हो। ये USPs को आप प्रॉपरली एक्सप्लेन आप एंड कस्टमर को करोगे तो डेफिनेटली आपका एंड कस्टमर भी राजी हो जाएगा ये EDVR उसके साइट पे वहां पे लगाने के लिए। एंड अगेन वन मोर पॉइंट, बहुत सारे लोग स्टार्टिंग से ज्वाइन हुए थे, कुछ लोग मिडल्स में ज्वाइन हुए थे, तो जहां पे कुछ वहां पे कॉन्टेस्ट इक्विजन आपके पास लेके आया था, उसका जस्ट एक मैं रिमाइंडर आपको देना चाहता हूँ। आपके प्रामा इंडिया ऐप के ऊपर कुछ कॉन्टेस्ट है जिसकी मदद से आप कुछ अलग अलग प्राइजेस है जहां पे जीत सकते हो। सो लेट्स विल गिव यू अ रिमाइंडर फॉर दिस कॉन्टेस्ट, ओके। दैट इज द फर्स्ट कॉन्टेस्ट, इज द कलर बू होली कॉन्टेस्ट, जहां पे 25th को शुरू हुआ था, 31st मार्च तक आपको जो है कलर बू कैमरा से आए हुए कैप्चर किए हुए जो इमेजेस है ये अपलोड करने हैं एक्सप्लोर टैब में, या जहां पे ड्यूअल लाइट स्टार ड्यूअल लाइट कैमरा लगा है वहां पे ये उसके फोटोग्राफ्स इंस्टॉलेशन किए, ये फोटोज अपलोड करने हैं, मैक्सिमम लाइक्स लेना है, एंड डेफिनेटली विल बी गेट eligible to win the exciting prizes for this. Next competition की हमने बात की थी जहाँ पे click and win 4.0, जहाँ पे EDVR के poster सभी को मिला है, आपको इस poster के through वहाँ पे selfie लेना है and वहाँ पे कुछ एक अच्छी comment type करके most of the likes लेने हैं, आप इस इनाम के भी हकदार वहाँ पे हो सकते हो। तो lots of people already participated, हमने पूछा था कि कितने लोगों ने participation किया है यहाँ पे, तो बहुत सारे लोगों ने participation किया था, तो definitely आपको है again more chance है यहाँ पे इस competition को जीतने के लिए। थर्ड वहाँ पे कॉन्टेस्ट और एक है यहाँ पे 15 मार्च को जो शुरू हुआ है 30 जून तक है, जहाँ पे मिनमोई K1T320 सीरीज का जो टर्मिनल है, जहाँ पे भी ये टर्मिनल लगा हो आपको जो है इस टर्मिनल का फोटो क्लिक करना है, उसका उस पर्टिकुलर टर्मिनल के सीरियल नंबर है प्रोडक्ट का वो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में डालना है, और ये सारा आप एक्सप्लोर मेनू में जहाँ पे अपडेट कर सकते हो और मैक्सिमम लाइक्स उसको ले सकते हो।
those who will get the maximum likes over there, according to the terms and condition, you will be eligible, then you will get the 1000 points on your Prama India app. Good evening, everyone. So lots of features are there and lots of things are there where you will get this understanding, many more benefits, jahan pe bahut sare features aur exciting prizes aapko jeetne ke liye wahan pe mil rahe hain. So होप सभी को पता चला होगा कि क्या क्या ऑफर्स यहाँ पे चल रही है, वहाँ पे कॉन्टेस्ट क्या क्या चल रहे हैं. एंड डेफिनेटली प्रामा इंडिया ऐप के ऊपर बहुत सारे हमारे व्यूवर्स है, ये टेक्नोलॉजी टॉक तो देखते हो बट अलग अलग वहाँ पे आपके जो ऑफर्स है या कॉन्टेस्ट है उसमें भी आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा एंड यू गेट द चांस टू विन द एक्साइटिंग प्राइजेस एंड द पॉइंट्स इन योर प्रामा इंडिया ऐप. सो दिस इज ऑल अबाउट द ESSD DVR जहाँ पे ड्यूअल लाइट कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं उसकी जस्ट क्लैरिटी में करता हूँ. मिस्टर आशीष पांडे पूछ रहे कि ड्यूअल लाइट कैमरा सपोर्ट करेगा. यस डेफिनेटली ESSD DVR जो है ड्यूअल लाइट कैमरास आप कनेक्ट करोगे तो ESSD DVR में बेस्ड ऑन द स्मार्ट एनालिसिस जहाँ पे मोशन डिटेक्शन एंड व्हीकल डिटेक्शन होता है बेस्ड ऑन दैट आपका स्मार्ट ड्यूअल लाइट कैमरा ऑपरेट हो जाएगा. सो ESSD DVR विल सपोर्ट फॉर दैट. आईपी कैमरा ऐड हो सकता है, यस डेफिनेटली 4 चैनल के लिए आपका एक आईपी कैमरा वहां पे ऐड हो जाएगा बट आपको जो है रिकॉर्डिंग की जो क्षमता है स्पेस है या रिकॉर्डिंग के डेज है उतने आप अचीव नहीं कर सकते. 4 वीक्स स्टोरेज ईडीवीआर कब आएगा? यस द 1 टीबी का स्टोरेज स्पेस वाला डीवीआर वहां पे डेफिनेटली सून वहां पे लॉन्च हो जाएगा मार्केट में. तब तक एग्जिस्टिंग डीवीआर को आप यूज कर सकते हो होटल्स में, स्मॉल रेस्टोरेंट्स में, शॉप्स में, यहाँ पे ये ESSD DVR को आप रख सकते हो क्योंकि वाइब्रेशन प्रूफ है, जहाँ पे एंटी चॉकिंग एंटी वाइब्रेशन ऐसे फीचर है, छोटा सा चीप है, ज्यादा वहाँ पे हिटिंग वहाँ पे नहीं हो रहा है, कॉम्पैक्ट साइज है, तो ऐसी जगह पे आप ये DVR को जरूर प्रोवाइड कर सकते हो. सो लेट्स लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए. So hope you have the likes got about the complete knowledge about the EDBR. कैसे लगा आज का ये सेशन? ये सेशन जरूर इंफॉर्मेटिव था आपके लिए. If you like that, if you think this session of today's was really informative for you, please type in the comment section your opinion about the EDBR and कैसे लगे EDBR के features. आपके चैट सेक्शंस में जरूर टाइप कीजिएगा और मुझे बताइएगा. अगर आपने इंस्टॉल किया हो आपका एक्सपीरियंस वहां पे जरूर चैट बॉक्स में टाइप करके आप मुझे बता सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द 2 वेरिएंट्स आर अवेलेबल. 1 MP वहां पे 2 MP का कैमराज लगा सकते हो एंड 4 MP का कैमराज आप लगा सकते हो जहां पे आपको ये 4 चैनल और 8 चैनल के वेरियंट्स में EDVR है मार्केट में अवेलेबल ऑलरेडी है. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन इट्स इन द स्टॉक नाउ एंड यू कैन get the maximum use of this EDVR and come on, I am waiting for all of your answers ki kaise laga aaj ka session and zarur aapko kuch na kuch aaj ke session mein se EDVR related jo bhi sare man mein aapke doubts the warranty related, service related, then after warranty jo support hai ESSD chip ko khas karke uske related bhi doubts aapke solve ho gaye honge. So yes, people have started telling that it was a very nice session and thank you so much for all of you. मैं सभी का बहुत बहुत एक बार धन्यवाद कहना चाहता हूँ. आप पिछले एक घंटे से मेरे साथ कनेक्टेड हो और हमेशा इस टेक्नोलॉजी टॉक को लाइव मुझे आप देखते हो, समझते हो और ये जो टेक्निकल नॉलेज है इक्विजन के प्रोडक्ट्स रिलेटेड ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हो. Thank you so much for all of you again for joining this today's session. We'll come back, we'll meet again with the next topic, the new products, the new solutions, the new technology and new future. Till then, take care, goodbye and have a nice day ahead. Thank you so much.